नमस्कार दोस्तों, फाइट कोरोना फ्लूट सीरीज के 162nd एपिसोड में मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो सरगम मूवी का हिट सॉन्ग टपली वाले टपली बजा। गाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मेलोडिक है। क्या है कि ये गाने में इट इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर द फ्लूट बिगनर्स। सारे शुद्ध स्वरों का इसमें यूज़ है और इसमें गमक, मुरकी और मींड का भी आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा अगर आप इस सॉन्ग को प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, लाइन बाय लाइन मैं आपको इसका ट्यूटोरियल देता हूँ। सी शार्प ये मिडिल फ्लूट है और आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको गमक और मुरकी का इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुखड़े से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन है कि इसे फर्स्ट लाइन से ही इसमें हरकत शुरू हो गई है। जो वाले वाला पोर्शन है उसमें आपने ध को हरकत देनी है, ध को नी धनी, और अच्छा करोगे तो सानी ध का ये इसको ऐसे वाले, और ये प को पौधा प, ठीक है। इस ध को हरकत देना है और फिर प को देना। देखिए वा ले, ले में पद प और वा के लिए ये सानी धा। तो आपने ये ध और प में विशेष ध्यान देना है, ये गमक के साथ है। ओके, एंड ढपली बजा सारे गरे सारे सारे ग, और जब वापसी में रे आते हो तो ये बहुत कम टाइम के लिए, तो मैं इसको ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ। ढपली बजा सारे घर सारे, ठीक है। अब पूरी लाइन देखिए, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, क्योंकि जो वाले वाला पोर्शन है इसमें हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल आए, तो उसकी आपने पहले सिंपल में प्रैक्टिस कीजिए। उसको सिंपल में कैसे करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उसको उसको गमक का अभ्यास करना है उसमें। ढपली वाले ढपली बजा, पहले ऐसे बजाएंगे प्लेन में। पहले ऐसे, फिर उसके बाद जब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है फिर इसको इस ध को नी के सहारे धनी दहा कीजिए। देखिए वाह, और ले को पद प, बाकी तो सिंपल है। तो दोस्तों, फर्स्ट लाइन में इसमें काफी एफर्ट है, मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा। मूविंग टू द सेकंड लाइन, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। इसमें आप क्या है, सा रे ग म यहीं तक आप जाते हो और एंडिंग इसकी लैंड होती है मंद्र सप्तक पीछे वाले ध पे। तो ये मैं आपको स्मॉल लेटर्स में आपको इसको डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे, मेरे घुंघरू रे रे ग म रे म, ये रे म जो है लास्ट में, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये है मीड के साथ में, रे माँ बुलाते हैं मगरे रेगरे बुलाते, ये ते जो है बुलाते इसमें रेगरे है। मगरे रेगरे, फिर सारे ग और ध में लैंडिंग ऐसे, सारे ग बुलाते हैं, ठीक है। सारे ग, और चाहे तो मौका टच दे सकते हो,
और अच्छा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस जब हो जाए उसके बाद, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड लाइन, मैं नाचूं तू। अब थोड़ा सा गाना उठेगा, ठीक है। ध तक हम जा रहे हैं मंद्र सप्तक के, ट प प ग तू ग सा, मैं नाचूं तू। अच्छा, उसके बाद फिर तू नचा, यहाँ पे बहुत सारी हरकत है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे गरे गरे सा, नचा सारे गरे गरे, नचा सारे गरे गरे सा, और फिर गम ग रे गरे सा। अब पूरी लाइन देखिए, ओके। लास्ट के सामने ध का कर्ण सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुखड़ा पोर्शन इज कंप्लीट। नाउ वी मूव टू द अंतरा पोर्शन। अंतरा का जो फर्स्ट पैरा है, इसमें क्या है कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। दोनों ही अंतरा मुखड़ा के कंपैरिजन में इसमें कम हरकत है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन है, मेरे बिन तू क्या, तेरे बिन मैं क्या, सेम बोल है, सा 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 रे सा रे गा, तेरे बिन मैं क्या, दोनों सेम, एक दूजे बिन, सा 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 ध, पिछले सप्ताह के धाम में आ गए, बिन हम अधूरे हैं, सारे सा ध पापा। अब पूरी लाइन देखिए, तो एक दूजे बिन हम अकेले, सा 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 ध, फिर से सारे साध पापा, लगते दोनों के मन में, तेरे रे गरगमा, मन के मिलन में, दोनों में सेम स्वर लगेंगे, लगते हैं सरगम के मेले, हाय हाय हाय, लगते हैं मैं, आप पौ तक जाओगे फिर, रे रे प म, लगते हैं तेरे प म, ग रे म ग रे सा सा, रे को रे ग रे कर दीजिएगा सा, और लास्ट में हाय हाय हाय, साधा साधा प। दोस्तों, ये सेकंड अंतरा का फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीट। अंतरा का सेकंड पोर्शन ये भी सिंपल है, कोई खास इसमें हरकत नहीं है। प से शुरू होगा, हो तू तोड़े के जोड़े, तू रखे के छोड़े, सेम सेम स्वर लगते हैं, ये दिल किया, प ध ध प, ये दिल किया, प प ध ध प, तेरे मगरे हवाले, रे गरे और फिर मगरे सा, और इस तरह से ये सॉन्ग कंप्लीट होता है। साथ ही ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। एक क्वेश्चन जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, पूनम फ्लूट्स या सफरुद्दीन फ्लूट्स कौन सा ठीक रहेगा, तो इसके लिए मेरी यही सलाह है कि आपको, आप दोनों फ्लूट लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो, यू कैन प्लान फॉर दैट। किसी को कोई सूट करता है, किसी को सूट करता है, बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, फॉर मी आई विल प्रेफर द सफरुद्दीन फ्लूट्स। मेरे पास दोनों ही फ्लूट हैं, बट जो सफरुद्दीन फ्लूट है उसमें मेरे को
ज़्यादा इजी ट्यूनिंग हो उसका हो जाता है, ठीक है। और उसकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग चमक, वो लुक वाइज भी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो दीज ऑल आर माई पर्सनल दिस थिंग एंड थैंक यू सो मच।